I survived 100 days in Minecraft 1.19 wild update. फर्स्ट मैं स्पॉन हुआ एक प्लेन्स बायोम में। डे वन को मैंने अपने लिए सारी के सारी टूल्स वगैरह बनाऊंगा मैं, तो सबसे पहले मैंने वुड को कट किया है एंड उसके बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाऊंगा और उसके बाद मैंने अपने बेसिक्स टूल्स बना लिए और फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ के वहाँ से मैंने थोड़ी सी और वुड लेके मैं वहाँ से आगे निकल गया। उसके बाद मेरे को यहाँ मैं गुजर रहा था क्योंकि मेरे को एक विलेज को ढूंढना था, तो विलेज ढूंढते ढूंढते मेरे को सोचा मैं खाना भी थोड़ा सा अपने लिए ले ही लेता हूँ। और मेरे को वहाँ पे एक केव भी नज़र आई थी जिसके अंदर मैं चले गया था गलती से, बट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्केलेटन वगैरह थे और मैंने उनसे लड़ने की कोशिश करी बट वहाँ पे इतने सारे थे कि मेरे को वापस आना पड़ा भाग के। और फिर मैं ऊपर निकलने के बाद आगे फिर मैं बढ़ता गया और मेरे को विलेज की तलाश थी और विलेज भाई लिटरली यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर था। मेरे को एक और केव दिखी तो मैंने सोचा अपने टूल्स को अपग्रेड कर लेते हैं स्टोन में, तो वही मैं करने लगा। फटाफट से मैंने सारे के सारे अपने टूल्स को स्टोन में कन्वर्ट करने के लिए स्टोन कलेक्ट कर रहा था। और यहाँ पर भाई बहुत सारे स्टोन लेने के बाद मैं आगे निकल गया और फिर मैंने एकदम से मेरे को ख्याल आया कि भाई मेरे को तो अपने कन्वर्ट टूल्स को करना है स्टोन में, तो पहले मैंने शीप्स को मारा क्योंकि रात होने वाली थी, अगर विलेज नहीं मिलता तो मेरे पास बेड नहीं होता। उसके बाद मेरे पास 3 वुड हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने सारे के सारे टूल्स को अपग्रेड किया स्टोन्स के टूल में और भाई लिटरली जब मज़ा आता है जब आप अपने टूल्स को अपग्रेड करते हो किसी बड़े उसमें, ये स्टोन मेरे लिए अभी बहुत बड़ा था इसमें बिकॉज मैं अभी आया था तो स्टोन तो जाहिर सी बात है। और फिर मैंने सारे टूल्स को बना के फिर मैंने सोचा कि एक बोर्ड भी बना लेते हैं बिकॉज आगे मेरे को बहुत ही ज़्यादा बड़ा ओशन नज़र आ रहा था और उसके अंदर से भी मेरे को जाना था। और उसके बाद मैंने छलांग मारी ओशन में, भाई मेरे को तगड़ा डैमेज पड़ा और फिर मैं आगे की तरफ निकल गया। बहुत टाइम बाद मेरे को विलेज मिल गया और भाई साहब यहाँ पे ब्लैक स्मिथ का घर सामने ही था और देखते हैं इसकी चेस्ट में। ओ भाई साहब इसकी चेस्ट में इतने सारे डायमंड्स मेरे को मिले और भाई मेरे को मज़ा ही आ गया ना, मतलब इतने सारे डायमंड्स इसने दिए कि मेरे टूल्स वगैरह बन जाएंगे। मैंने आयरन के टूल्स बनाने से पहले अपने डायमंड्स के टूल बना लिए, दिस इज़ इनसेन। और ये वाली चेस्ट में मेरे को खाने का सामान मिला। उसके बाद मैं सो गया और डे टू को मैंने अपने टूल्स को अपग्रेड करने का सोचा डायमंड में बिकॉज मेरे पास अब आ चुके थे डायमंड, तो भाई डायमंड आ गए तो अपग्रेड टूल्स करना बनते हैं। और मैंने अपने लिए सारे डायमंड्स के टूल्स बना लिए। उसके बाद मैंने अपने लिए चेस्ट बनाई क्योंकि मेरे को और भी यहाँ पे सामान रखना था। चेस्ट बनाने के मैंने अपना सारा का सारा फालतू सामान उसके अंदर रख दिया और भाई इतना सारा फालतू सामान मेरे पास अभी था, स्टोन के टूल्स मेरे पास बेसिक टूल्स इतने सारे थे। और फिर मैं आगे निकल गया, यहाँ पे मेरे को स्केलेटन दिखा, मैंने उसको धप्पा करा और मैं यहाँ से वुड तोड़ने लगा और पीछे ही मेरे क्रीपर पड़ गया और मैं बच गया भाई लिटरली, क्योंकि ये हार्डकोर है। उसके बाद मैं गया गोलम के पास, गोलम को मैंने एक टपली मारी और मैं यहाँ पे बिल्डअप करने लगा बट मैं बिल्डअप 4 ब्लॉक नहीं कर पाया और गोलम ने मेरे को सही वाला मारा, मेरा एक हार्ट बचा था। और फिर मैं आगे जाके जब मैंने बिल्डअप किया तो मैंने 4 ब्लॉक्स का बिल्डअप किया था, यहाँ पे गोलम मेरे को नहीं मार पाया और मैंने गोलम को आसानी से मार दिया और उसने मेरे को पूरा का पूरा 3 आयरन दिया था, 3 आयरन निकट के। इससे मेरी एक पिकैक्स तो बन सकती थी बट मेरे पिकैक्स तो मेरे पास ऑलरेडी डायमंड की है। उसके बाद मैंने अपने लिए बहुत ही सारे घर बनाने के लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। मेरे को लकड़ी चाहिए थी बहुत सारी तो मैं लकड़ी तोड़ने के लिए निकल गया भाई और मैं बहुत ज़्यादा घूमा अंदर और यहाँ पे मैंने 4-5 पेड़ को काट के लकड़ी तो जमा कर ली। उसके बाद मेरे को केव नज़र आ रही थी तो मैं वहाँ पे जाके अपने लिए कोल वगैरह जमा करने लगा क्योंकि कोल मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज से लड़ा और भाई इतने टाइम बाद मैं कोल वगैरह अपने लिए जमा करके वहाँ से बाहर निकल गया और फिर मैं अपने विलेज की तरफ जाने लगा क्योंकि भाई मेरे को घर भी बनाना था अभी और मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैं अपने विलेज में आके अपने लिए सारा प्रिपरेशन करी, मेरे को कितने कितने कौन कौन से ब्लॉक चाहिए थे और भाई ऑब्वियसली ये तो कम पड़ने थे तो मैं वो आगे जाके लाऊंगा। पहले हम इससे बनाना शुरू करते हैं अपने घर को और भाई ये मेरे घर की प्रिपरेशन थी थोड़ी सी। फिर मैंने एरिया को साफ़ करना शुरू किया बट मैंने सोचा शवल से करा जाए, डायमंड की शवल से। उसके बाद मैंने इस पूरे एरिया को क्लियर करने की सोची भाई, लेकिन ये पूरा एरिया बहुत बड़ा था तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा क्लियर करके ऊपर से क्लियर कर दिया क्योंकि ऊपर थोड़ा कम था तो मैंने यहाँ से क्लियर करके साइड में डर्ट वगैरह लगा दी थी। और भाई यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा था तो मैंने सारा का सारा तोड़ा, इधर टर्टल भी घूम रहा था और मैंने ये सारा तोड़ने के बाद मैंने सारी की सारी डर्ट जो मेरे पास थी वो मैंने इधर उधर कॉर्नर्स पे लगा दी और मैंने प्लेन कर दिया। और भाई इसमें बहुत टाइम लगा और मेरे को रात हो चुकी थी और डे टू से मैंने डे 12 तक अपना हाउस की प्रिपरेशन करके उसको बनाया इतने टाइम में भाई, क्योंकि टाइम लगा मेरे को
रात हो गई तो मैं चले गया किसी भी घर में जाके, मैं एक सो गया वहाँ पे। और मैं जब सुबह में उठा तो मैंने यहाँ पे अपने घर के लिए तैयारी स्टार्ट कर ही दी थी बिल्कुल। मेरे पास कोबल स्टोन और मेरे ज़्यादा यूज़ जो था कोबल स्टोन और प्लैंक्स का यूज़ था इस घर में। और भाई ये घर थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बट घर तो बना लिया था मैंने। और उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी अपने घर की। और भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा इस घर को बनने में, जब तक आप ये बनता हुआ देखो। और फाइनली डे 12 को मेरा हाउस रेडी था बिल्कुल। और मैं आपको छोटा सा टूर देता हूँ अंदर से। ऐसे एक मैंने थोड़ा सा फार्म बना लिया अपने फूड सोर्स के लिए। ऊपर जाते ही सामने चेस्ट लगी हुई है, पीछे कुछ भी नहीं है। चेस्ट में मैं अपना फालतू सामान सारा अभी शिफ्ट करा देता हूँ यहाँ पे। और भाई मैं सामने जाके मैंने यहाँ से शुगर केन भी वापस से उगा दी ज़्यादा, क्योंकि शुगर केन का काम आई थिंक मेरे को आगे पड़ सकता है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कर दी वो, क्योंकि एक ही थी। और भाई अब मेरे को जाना था माइनिंग पे। यहाँ से मैं सोच रहा था माइनिंग करूँ, तो मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन करके आया मैं। और मैंने अपनी पिक्स वगैरह लेनी थी मेरे को, और फिर हमने यहाँ से शुरू करी। लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया था, मैं डोर ऊपर ही भूल गया था, क्योंकि मैं सोचा था यहाँ पे डोर लगा देते हैं ऐसे माइनिंग की एक जगह बन जाएगी। मेरे पास ट्रैप डोर था नहीं, वो वुड भी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने ये वाला डोर ले लिया। और मैंने इसको ऐसे करके यहाँ पे शू करके लगा दिया। और भाई फाइनली फिर मैं आगे माइनिंग करने लगा। डे 12 से डे 23 तक मैंने माइनिंग करी। और इस जर्नी में मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिली, मेरे को लड़ाई करनी पड़ी इतने चीज़ों से, मेरे को लड़ाई करनी पड़ी मॉब्स थे इतने सारे, मेरे को आयरन मिला इतना। और भाई अभी तक डायमंड की तो कोई भी वो नहीं पता चली थी, क्योंकि मेरे को डायमंड का फुल आर्मर बनाना था। मेरे को लड़ना था वार्डन से और एंड ड्रैगन से। और फिर मैं स्ट्रेट माइनिंग करता गया और एक और आई। और भाई यहाँ पे मेरे को फाइनली डायमंड मिल गए, और डायमंड भी अच्छे खासे डायमंड मिले थे मेरे को यहाँ पे। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे तो इतने मिल गए, मैंने यहाँ से रेडस्टोन भी ले लिया, क्योंकि कभी तो कभी काम पड़ सकता है इसका भी। रेडस्टोन का काम कभी ना कभी पड़ ही जाता है, तो इनको लेके मैं फिर से डाउन करने लगा डिग। और भाई मैं बहुत लंबा फिर से डिग करता गया और मेरे को फिर से डायमंड मिले। वो भाई लिटरली अमेज ही हो गया था ना, मैं एकदम से फिर से मिल गया इतनी जल्दी, ये मेरे को मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यहाँ से मैं लेने के बाद डायमंड भाई मैं नीचे के लिए फिर जाने लगा, बट फिर मेरे को डायमंड नहीं मिल रहे थे। लेकिन मैं फिर भी जाता गया, मेरे को एक डायमंड तो मिला, एक नहीं था भाई, वो बहुत सारे डायमंड थे। मेरे को लग रहा था नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई मिल गए, अच्छी बात है। और मेरे पास अब अच्छे खासे डायमंड हो चुके थे, मेरा डायमंड आर्मर बन सकता था अब। और फिर मैं नीचे की तरफ जाता गया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला। तो मैं ऊपर आया, रात हो रही थी, तो मैं अंदर अपने घर में सोने के लिए चले गया। बट फर्स्ट मैंने अपने लिए डायमंड का आर्मर पूरा बना लिया भाई। ये मैंने डायमंड का आर्मर बनाया और मैंने डायमंड का आर्मर पहन के पूरा का पूरा फाइनली गाइस मैंने डायमंड का आर्मर बना चुका हूँ मैं। और अब हम लोग सो गए। डे 24 को मैं उठा और भाई मैं निकल गया थोड़े से एडवेंचर टाइप के लिए, क्योंकि भाई मेरे को ढूंढना था पूल, एक लावा पूल जिससे मैं नेदर बना सकूं, नेदर पोर्टल बना सकूं। और भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद एक दिन बाद मेरे को लावा पूल मिल गया। लेकिन इधर ही उधर मैं इधर घूमे जा रहा था, लावा पूल इधर ही था लेकिन मेरे को नज़र नहीं आया था, तो मैं बहुत टाइम से इधर उधर घूमे जा रहा था। तो फिर मैंने इनको माइन करना शुरू किया। लिटरली इनमें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं इनको माइन करता गया करता गया करता गया, भाई बहुत टाइम लगा इसमें तो। और ये मेरे को लग रहा था कम है, बट नीचे और लावा निकल गया, तो मैंने उनको भी बना के पूरे 12 ऑब्सीडियन में कलेक्ट करूँगा यहाँ से। और भाई इनको माइन करने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था लिटरली कि मैं थक गया था। ये तो आपको स्पीड में नज़र आ रहा होगा। और फिर मैं ऐसे एक्सप्लोर करता करता अपने विलेज की तरफ दोबारा से निकल रहा था, क्योंकि मेरे को बनाना था अपने लिए नेदर पोर्ट। और उसके बाद मैंने फ्लिंट के लिए ग्रेवल को तोड़ा और मेरे को एक फ्लिंट मिल चुकी थी। और फिर मैं अपने घर पर गया और मैंने फ्लिंट के लिए फ्लिंट एंड स्टील बनाई। उसके बाद मैंने अपना पोर्टल का फ्रेम बनाया पूरा का पूरा, और उसको मैंने इग्नाइट कर लिया फाइनली। और फिर मैं कुछ चीज़ें भूल गया था, बट मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं भूला और मैं चले गया अंदर नेदर पोर्टल में।
और भाई इधर एक, मेरे को तो लग रहा था बस मेरी वीडियो इधर ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं बच गया भाई। पीछे इतना बड़ा पूल, लावा पूल, मैं अंदर ही गिर गया था। और ये अच्छी थी बात थी कि मेरे को एंडरमैन वाली वो मिल गई, बट मैं अपनी एक चीज़ भूल गया था जो कि थी एक डायमंड, वो गोल्ड का हेलमेट, बिकॉज पिगलिन मेरे को मार मार के भूत बना रही थी। तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से मिला है। एक मेरे को रेन पोर्टर मिला था, ये उसमें से मिला है मेरे को। और भाई फिर मैं वापस आया और मैंने यहाँ पे day 25 से day 39 तक मैं यहीं पे ही रहा। और भाई इतने एंडर मैंस को मार मार के, लड़ाई कर करके मैंने जाके इतनी सारी एंडर पर्ल्स को जमा करने का सोचा, क्योंकि यहाँ से एंडर पर्ल्स जमा करके मेरे को जाना था बेशन वो फोर्ट्रेस, क्योंकि भाई वो भी बहुत ज़्यादा दूर होना था यहाँ से। और भाई फाइनली फिर मैंने जाके ब्लेजेस को मारा। मैं ये अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कुछ मसला था, तो फिर मैंने वहाँ पे जाके ब्लेजेस को सही से रगड़ा और फिर मैं वापस अपनी ओवरवर्ल्ड में आ गया। और भाई मेरे पास सब कुछ हो चुका था। फिर मैंने अपने लिए ब्लेज पाउडर बनाया, उसके बाद मैंने आई ऑफ एंड अपने लिए बना ली। और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा एडवेंचर टाइप पे जाना था, तो मैंने अपने लिए सारा सामान की सेटअप कर लिया। और मैं सोच रहा था कि एक मैं एनविल बना लूँ, बिकॉज एनविल मेरे ये काम आता कि जाते जाते एनविल अगर मेरे को कहीं बुक्स वगैरह कोई मिलती हैं एन्चेंटमेंट बुक, तो मैं वापस उनको एन्चेंट कर सकूँ। बट मेरे पास पूरा का पूरा आयरन नहीं था, तो मैं वो जाके लाके मैंने एनविल बना लिया। और फिर हम लोग निकले और भाई बहुत टाइम बाद मेरे को एक जंगल टेम्पल मिला। बहुत टाइम नहीं है, तो हमारे सामने ही था बिल्कुल, क्योंकि मेरे विलेज के पास ही एक जंगल बायोम थी, तो उसमें मेरे को ये मिल गया। और मैं यहाँ से गया, मेरे को यहाँ पे एरो भी मिल गया अच्छे खासे, जो कि एंडर ड्रैगन से लड़ने के मेरे काम आने वाले थे। और फिर मैंने जब ये तोड़ा भाई, मेरे को जहाँ से एक बुक मिल गई इंचेंटेड, जिसमें दो दो चीज़ें थी। और भाई मेरे को तो मज़ा ही आ गया था, अब तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला था। तो मैंने जल्दी से अपनी, मेरे को एंजॉय करना आ नहीं रही थी, मैं गलत रख रहा था, बुक को आगे रखते हैं और उसको पीछे रखते हैं। और फिर मैंने अपने लिए एंजॉय कर ली थी एक सोर्ड। उसके बाद मैं एनविल तोड़ के आगे निकला और फिर मैंने आई ऑफ एंडर मारने का सोचा कि मैं निकलता हूँ आगे की तरफ। और भाई पूरे के पूरे 47 मतलब 6 दिन बाद मैंने जाके एक विलेज के पास आया। ये मेरे को आई ऑफ एंडर लेकर आई थी और यहाँ पे वो निशाना कर रही थी कि नीचे ही है कहीं पे स्ट्रॉन्ग होल्ड। और भाई मैं ढूंढता रहा था यहाँ पे, कब से ढूंढ रहा था, यहाँ मिल नहीं रही थी। लेकिन फिर मैंने जब डिग डाउन नीचे की तरफ किया, तो मेरे को, मैं करता रहा, एक केव निकल गई। उसके बाद मैं day 47 से day 50 तक मैं अपने लिए वही ढूंढता रहा कि पता नहीं कहाँ है कहाँ है, वो मुझे मिल के ही नहीं दे रहा था। और भाई फाइनली फिर मुझे मिल चुका था। उसके बाद मैं इसके अंदर जाके भी ढूंढता रहा कि स्ट्रॉन्ग होल्ड आखिर है कहाँ, वो भाई मिल ही नहीं रहा था। वो फिर मेरे को नीचे का तरफ एक रास्ता दिखा, जहाँ पे मेरे को थोड़ी थोड़ी रोशनी से नज़र आ रही थी, तो मैं समझ गया ये यहीं होगा, मेरे सामने था। और मैंने इस चेस्ट में देखा तो आयरन का थोड़ा सा सामान था, बट मेरे को उससे क्या करना है। यहाँ पे सिल्वर फिश ने मेरे को इतना गंदा अटैक करेगी सिल्वर फिश मेरे ऊपर कि मैं पीछे लावा में गिरते गिरते बच गया था, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड के नीचे वो लावा होता है। बट फिर मैंने इनसे फाइट करी, क्योंकि 4-5 थी यहाँ पे, मैंने इनको मार के यहाँ पे मैं अपने सारे प्रिपरेशन करने लगा। मैंने ये वाला लावा बंद कर दिया, बिकॉज मैं गिर जाता हूँ ज़्यादातर इस लावा में। फिर मैंने अपना इग्नाइट किया और मैंने रिस्पॉन पॉइंट सेट करके